आगरा वासियों के लिए मेट्रो में सफर करने का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही सुरक्षा अधिकारियों के साथ फायर विभाग के अधिकारियों ने अंडरग्राउंड स्टेशनों का निरीक्षण किया। लंबे समय से देखा जा रहा मेट्रो में सफर करने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। इंजीनियर और अधिकारियों के निरीक्षण के बाद हरी झंडी दिखाई जाएगी। शनिवार को यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन के फायर सुरक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार सिंह और सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह ने अंडरग्राउंड स्टेशनों का जायजा लिया। इसके बाद ईदगाह फायर कार्यालय पर अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारियों ने मंथन किया। सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मेट्रो का निरीक्षण किया गया है। फायर विभाग के मानक पूरे कराए जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से आए यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन के फायर सुरक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार सिंह ने सीएफओ के साथ बैठक की। आगरा में मेट्रो का जो है कि शीघ्र ही संचालन होना है और इसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसका उद्घाटन निकट जल्दी किया जाना है, जिसको देखते हुए इसको सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। उसमें फायर के क्या नाम होने चाहिए उसी के विषय में उनके मेट्रो की टीम के द्वारा, फायर सर्विस टीम द्वारा ज्वाइंट निरीक्षण किया जा रहा है। उसके सुरक्षा व्यवस्था को लेके और उसमें जिसे वहाँ पे जो भी पब्लिक आता है उसको किसी प्रकार को दिक्कत ना, उसी के संबंध में आज निरीक्षण हुआ है। ताजमहल और लाल किला के पास 6 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान इंजीनियरों से भी जानकारी हासिल की गई। बताया गया है कि जल्द ही मेट्रो का शुभारंभ होने वाला है। इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।